2030 तक के लिए संशोधन हुआ है और उसी का राजकीय संकल्प का प्रस्ताव यहां रखा गया है। सभी विभिन्न दलों के माननीय नेताओं ने अपनी बात रखी है और सब लोगों ने इस संकल्प का समर्थन किया है। इसके लिए मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और हम सब लोगों को मिलकर सर्वसम्मति से इस राज्य के संकल्प को पारित किया जाना चाहिए और उसके बारे में बहुत सारी बातों की चर्चा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी की, हमारे नेता विरोधी दल ने बहुत भिन्न विषयों पर चर्चा की। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी का जो हम लोगों का या आज की जो ये बैठक है वो उस विशेष बैठक उसी में इसी प्रश्न पर है, लेकिन अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई है। हमें इस विषय पर कोई एतराज नहीं है कि इस पर हम आगे पूरी चर्चा करें। हर चीज पर चर्चा होनी चाहिए। अगर किसी चीज को लेकर के कोई लोगों के मन में इसके ऊपर अलग अलग राय है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और हम तो इस राय के हैं जो अगला सेशन हो उसमें इन विषयों पर चर्चा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ठीक ढंग से चर्चा होगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन दिनों जितने बड़े पैमाने पर इस विषय पर चल रहा है तो इस पर हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, चाहे वो CAA हो, NRC की जहां तक बात है तो NRC का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। NRC आया कहां था? NRC तो पहले ही जब केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी और जो असम के लोगों के साथ आसू के साथ जो बातचीत हुई थी और जो समझौता हुआ था उसमें वो NRC की बात आई थी। असम के कंटेक्स्ट में NRC की बात आई थी, कोई देश के कंटेक्स्ट में NRC की कोई बात नहीं। और हम लोगों को तो इसका कोई एहसास नहीं है कि अनावश्यक NRC कहीं देश में आ सकता है, उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर साफ साफ बोल दिया, इसलिए NRC वाली बात तो कुछ है नहीं। अब रही बात जो इन दिनों जो जनसंख्या जनगणना की बात चल रही है उसको लेकर के, तो जो 2010 में हुआ था NPR की बात, तो राज्यों से लिया गया था, तो NPR जो 2010 में हुआ था उसके बारे में तो राज्य सरकार ने पहले से सहमति दी है। लेकिन अब ये बात आ रही है कि भाई NPR में अन्य चीजों के बारे में पूछा जा रहा है, तो जहां तक सवाल है मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए, चूंकि हमारी पूरी की पूरी सब लोगों की सहमति से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई है और इसके लिए दोनों सदनों के सभी दलों के माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने और माननीय कार्यकारी सभापति बिहार विधान परिषद ने विधानसभा और विधान परिषद के सभी लोगों को आमंत्रित किया था। 13 जुलाई को बैठे थे, घंटों माने 8 घंटा से ज्यादा 9 घंटा तक चर्चा हुई थी और उससे ये बात निकली थी जल जीवन हरियाली अभियान। हम उस काम में लगे हुए और उसी के पक्ष में जनमत को जागृत करने के लिए ये किया गया है कि फिर से इस पर भी मानव श्रृंखला बने। 19 जनवरी को रविवार का दिन है, ये बात हो रही है। लेकिन अभी उसके चलते मेरा ध्यान वहीं केंद्रित है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब भी चाहेंगे हम भी इस बात के लिए सहमत होंगे कि इस विषय पर जरूर विचार विमर्श हो, अगर सदन में बातचीत करना चाहते हैं तो सदन में चर्चा होनी चाहिए और सदन में चर्चा हो, सब लोग अपनी बात रखेंगे, इसमें हमको कोई दिक्कत की बात नहीं रही। लेकिन जो बात जहां तक है, जो जनगणना की बात चल रही है, आज से नहीं, हम लोग भी बहुत पहले से इस बात के पक्षधर हैं कि एक बार जरूर कास्ट बेस्ड जनगणना होनी चाहिए। 1930 में हुआ था, 1930 के बाद कभी हुआ नहीं है। और पिछली बार जो 2010 में बात हुई थी तो 2010 में भी इसको लेकर के मांग उठा था, तो जनगणना के बाद एक अलग से इसके बारे में हुआ और अलग से जो किया गया उसके चलते सचमुच लोगों के कास्ट के डिफरेंट पॉपुलेशन के बारे में पूरी बात आ नहीं पाई। जो आंकड़े थे वो भी प्रकाशित नहीं हो सका, इसलिए कि वो ठीक से हो नहीं पाया था। इसलिए जो जनगणना हो, हम लोग भी इस राय के हैं भाई, कास्ट बेस्ड तो होना ही चाहिए और एक बार 1930 में हो गया, अब एक बार तो और हो ही जाना चाहिए जाति आधारित जनगणना, ताकि सब लोगों को मालूम हो। और अभी क्या है, अभी हर डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी गिनती हो जाती है, जो अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं उनकी गिनती हो जाती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में
जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं उनकी भी गिनती हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों में कास्ट की कोई गिनती नहीं होती। तो एक बार गिनती हो जानी चाहिए कास्ट बेस्ड। हम लोग तो इस राय के और पहले से सार्वजनिक तौर पर भी कहते रहे, इसलिए उसमें कोई हमको नहीं लगता है दिक्कत है। लेकिन अगर सदन आगे जब बैठे उसमें हम लोग इस सब चीजों पर चर्चा करेंगे और अपने राय कम्युनिकेट भी करेंगे। केंद्र सरकार को भी हम लोग अपनी राय, बिहार के लोगों की जो फीलिंग है उसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। चूंकि जनगणना तो होने में भी समय, जनगणना तो 3 महीने के 4 महीने के बाद शुरू होने वाला, जनगणना तुरंत नहीं शुरू होने वाला, इसकी तैयारी अभी चल रही है। तो हम लोग उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगली बार होगा उसके पक्ष में। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में कह दिया, जो सब लोगों को मालूम है उसका पहला ही है कि चाहे जितने हमारे तालाब हों, पोखर हों, आहर हों, पैन, उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। वो काम किया जा रहा। लेकिन अभी इस यात्रा के सिलसिले में यह बात आई कि बहुत सारे तालाब या पोखर हैं या कुछ ऐसी जगह पर है जिसमें कोई गरीब गुरबा तबका का लोग, खास करके अनुसूचित जाति के लोग, इस तरह के गरीब गुरबा लोग जिनको कोई जगह नहीं थी उसके बगल में बसे हुए। तो एक बात आप जान लीजिए कि इसके बारे में हमने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके बारे में रूल भी बना ले। हम लोगों को सब इस तरह के चीजों को अतिक्रमण से मुक्त करना है, लेकिन वैसे लोग जो गरीब गुरबा लोग वहां पर बसे हुए थे, उनके पास कोई जगह नहीं थी, वहीं पर वो बस गए, वैसे लोगों को अन्य स्थान पर बसाया जाए और उसके साथ उसको अतिक्रमण से मुक्त कराए। अतिक्रमण मुक्ति आपके पर्यावरण के लिए और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके लिए कोई आदमी ऐसा न हो कि आज रहने की जगह है, कल उसको रहने की जगह न रहे। उसके लिए रहने की जगह का तो इंतजाम करना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे अतिक्रमण पर वैसे ही लोगों का कब्जा है, ऐसा नहीं है। चंद जगहों पर इस तरह की कुछ बात है, तो वैसी जगहों के बारे में भी हमने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इस पर, इसके लिए सब जगह का सर्वेक्षण करके देख लीजिए और वैसे लोगों को अन्य स्थान पर बसाया जाना चाहिए। ये बात हमने साफ तौर पर कहा, इसलिए इसमें कोई मतभेद नहीं है और सब लोगों की सहमति से एक इतना बड़ा बिहार में कम से कम पर्यावरण का संकट घटे, जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान की स्थिति आ रही है वो घटे। तो इसको ध्यान में रखते हुए, नहीं आप क्यों खड़ा हो रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं क्या कि वो इन सब चीजों को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जाए? अब आप बीच में क्यों शुरू हो गए? ठीक है, नहीं ठीक है, आपके पास कोई भी सूचना है वह सूचना आप दे दीजिए, उसके बारे में पूरे तौर पर दिशा निर्देश भी दे दिया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर के हम लोगों का दिशा निर्देश यही है कि जो उस प्रकार के लोग हैं, गरीब तबके के लोग जो वहां बसे हुए थे, उनको अन्य स्थान पर बसाया जाए, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन इन चीजों को अतिक्रमण मुक्त करा के उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, तभी जो हम लोगों का है भूजल स्तर है उसको हम लोग कायम रख पाएंगे, ये जरूरी है। तो खैर ये सब अलग चीजें हैं, इस बात की चर्चा आप लोगों ने कर दी, हमने समझा कि कुछ जरूरी चीजें हैं उसके बारे में कह दिया जाए। और सब लोगों ने एक मत से ये कहा है कि जो संविधान का संशोधन हुआ है 126वां संशोधन, उसका हम सब लोग उसके पक्ष में सर्वसम्मति से हम लोग अपने संकल्प को पारित करेंगे। तो इसके लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय